आप लोगों का कौन सा संगठन है ये? क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन है? या अच्छा, तो आप कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं? जी। अच्छा, कौन विभाग में हैं? मैं डीजीपी पुलिस रहा हूँ। अच्छा, डीजीपी पुलिस रह चुके हैं। अच्छा, ठीक ठीक साहब। तो ये जो आप संस्था बनाए हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं जी, तो इसमें और लोग भी जुड़ सकते हैं? ये सभी लोग जुड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, यही सलाह लेना था हमसे। कई लोग जो है कि फोन किए हैं जी, कि जरा राम, हम मध्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला से बोल रहा हूँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रामानंद साहनी। रामानंद साहनी जी, हम आपको लिंक भेजते हैं, उससे आप जुड़ जाइए। अच्छा। और चंद्रगुप्त बनिए। अच्छा, ऐसा है, चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं, इसमें उनका तो बड़ा महान इतिहास है। हाँ, वो ही महान इतिहास आपको रिपीट करना है। उन्होंने इतिहास तो जो उन्होंने इतिहास जो है तलवार के दम पे और युद्ध कौशल अच्छा। के आधार पर जीता था। आपको हाँ। यही युद्ध वाक्य कौशल के आधार पर वार्तालाप से लोगों को जोड़ के यही युद्ध जोड़ना हाँ। है। आपको छोटी छोटी संगोष्ठी करना होगी और लगातार हाँ। लोगों को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना होगा। और जो अच्छा। लोग जो है, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप हाँ। मोहल्ला अधिकारी बनेंगे, तीन व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप टाउन अधिकारी बनेंगे, पांच व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप ब्लॉक ऑफिसर बनेंगे, यदि आप अच्छा। दस लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी बन जाएंगे, पचास अच्छा। लोगों को जोड़ेंगे तो आप जिला राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और सौ लोगों को जोड़ेंगे तो फिर आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। और सौ लोगों से ज्यादा जोड़ने की जो यात्रा है वह है चंद्रगुप्त की यात्रा। तो चंद्रगुप्त की यात्रा पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, कब तक? जिस समय जो है 2024 का चुनाव की घोषणा के दिन, उस पे जो है ना लाइन खींच दी जाएगी। तो जो 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 2024 में चुनाव के घोषणा के दिन ऊपर के 543 ऐसे चंद्रगुप्त जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें चंद्रगुप्त का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, राइट? दास दास दास। तो ये मिशन, ये मिशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया है कि वो अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो है चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी और उनसे विनय पूर्वक जो है उन्हें सांसद का टिकट देगी। अच्छा। तो क्योंकि आपको जो है राजनेताओं को तो चुनाव में पराजित करना होगा और उसके लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है, राइट? इस अच्छा। पूरी प्रक्रिया में 100 करोड़ से अधिक लोग जुड़े जाएंगे आसानी अच्छा। से, यदि हम लोग अच्छा। संकल्प से काम करें तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, मात्र 9 दिन में। इतना अच्छा। आसान है। आप हमारे वीडियो ऑडियो सुनेंगे, आपने अभी अच्छा। तक यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यूट्यूब पर जाइए और उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें 2200 से अधिक वीडियोज हैं जो आपको ऊर्जाकृत करने की दृष्टि से बनाए गए हैं और जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये देश कैसे जो है बदलेगा। ये आज जो हमारे राजनेताओं ने गुलामों के नियम अपने देशवासियों पर थोप के रखे गए हैं वो बदल जाएंगे। तो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, हो चुका है कि आज भी हम गुलाम हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसे आसानी से बदला जा सकेगा। हम अपने देश को कर मुक्त कर पाएंगे, हम ऐसी चुनाव व्यवस्था ला पाएंगे जो ऐप के ऊपर से चलेगी और जहां चुनाव का खर्च जीरो होगा, और यदि कोई चुनाव में खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, जेल चला जाएगा। ऐसा खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, ऐसे ही कर विहीन व्यवस्था होगी।
मतलब आपके अच्छा ऊपर अच्छा कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, और अच्छा भारत के विकास के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा। अच्छा ऐसा है यार। तो जो है आप सब लोगों की जिंदगी जो है सुधर जाएगी, और क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो कह रहा है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, भारत में अच्छा आगे चल के कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, अच्छा अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ जो है कह रहा है कि अभी तो आप थाने जाते हो तो 80% से ज्यादा केसेस में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, हाँ ये तो है साहब। इस नई व्यवस्था में आपकी बिना थाने जाए रिपोर्ट हो लिख जाएगी, और वो भी अच्छा गांव के गंवाड़ी की। आज तो स्थिति ये रहती है कि उसका सिर फटा रहता है और हाँ निर्ममता से जो है ना उसे पहले बिठा दिया जाएगा, फिर भगा दिया जाएगा, या एप्लीकेशन ले ली जाएगी, तो हाँ ये व्यवस्था जो है बदल जाएगी। अच्छा विवेचना 15 दिन में पूर्ण होगी, और बिना अच्छा कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी, तो वो अपराध अच्छा घटित करने जाएगा, यह अनुमान सिस्टम को पहले हो जाएगा, और उसकी अच्छा स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से उसे अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। अच्छा आगे चल के भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और अच्छा जब आपको सब अपराधियों के बारे में सब कुछ ही मालूम है तो उसे हाँ अपराधी क्यों बने रहने देना है, तो सिस्टम खुद ये अपराधी के पास पहुंचकर उसे रिहैबिलिटेट करेगा। और अच्छा इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं जो हाँ और जो है क्योंकि पेपर करेंसी मुक्त भारत भी हो जाएगा, तो अच्छा ट्रांजैक्शन फीस के बतौर कुछ 2% वगैरह की कुछ फीस रहेगी। इन दोनों अच्छा मॉडल से आज की तुलना में जो रेवेन्यू मिल रहा है उससे हाँ 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा, अच्छा लिहाजा उस 20 गुना रेवेन्यू का जो असर होगा वो 40 गुना के बराबर होगा। अब आप अच्छा अंदाज लगाइए कि 40 गुना पैसा जो है ना खर्च होगा, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी जो है ना 10 गुना बढ़ेगी, और सब लोग जो है कर मुक्त माहौल में, टैक्स फ्री माहौल में, जहां कोई आपको जो है बिना मतलब के टैक्स का बोझ नहीं डाल रहा है, जो बिना मतलब की जो है आपको टैक्स की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने का बोझ नहीं डाल रहा है, गाये बगाये अच्छा आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, भारत ऐसा देश बन जाएगा और बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, भारत अच्छा आगे चल के विश्व गुरु भी बनेगा। बनेगा ये तो है, तमाम मनुष्यों का भविष्यवाणी है। उसी तो ऐसा भविष्यवाणी है का क्या? यह क्रियान्वयन है। अच्छा उसी का हाँ क्रियान किया जा रहा है। ठीक ठीक हाँ तो नाम क्या बताया था तो आपने अपना? मेरा नाम है साहब रामानंद साहनी, रामानंद और साहनी जी, आपको हम लिंक भेजते हैं, आप जुड़िए और अपने अच्छा लोग उसको जो वीडियो को सुन के उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसको समझ के और लगातार हाँ कार्रवाई करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है, आप समझ में नहीं आता है, तो मुझसे बातचीत करिए। हाँ यही बस जानना चाहते साहब, जैसे मान इसके खिलाफ जो हम लोग आवाज उठाएंगे, इसे पुलिस विभाग वाले अन्य लोग नेता लोग आप विरोध तो भी किसी कर के ऊपर सकते आवाज हैं। उठाई नहीं रहे हो, आप तो जो है ना अच्छा हम लोगों तो को हाँ सिर्फ जोड़ रहे हो, और हाँ ठीक जोड़ के जो है ना उनको अपने चंद्रगुप्तों को जो जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, ऐसे चंद्रगुप्त को जो है अपने छत पे खड़े हाँ होकर थाली बजाकर दीपक जला के उन्हें जिताने का संकल्प करेंगे, तो ना तो आप हाँ किसी हाँ का विरोध कर रहे हो, ना थाने जा रहे हो, ना पिटीशन दे रहे हो, ना चक्का जाम कर रहे हो, हाँ ना जुलूस निकाल रहे हो, ना ना जंतर हाँ मंतर हाँ जा रहे हो। आई बात हाँ समझ ये में? तो तो है। हाँ 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 फिर ये आपको तो किसी से डरने की क्या जरूरत है? ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत वंदे।